बिलासपुर के एक निजी होटल में कोलकाता से आए हुए आईबीएस के प्रचार फैकल्टी मेंबर और बिलासपुर के सभी महाविद्यालय के प्रचार और शिक्षक मौजूद रहे। यहाँ एक टीचर इंटरेक्शन प्रोग्राम था जिसमें शिक्षक एक दूसरे के पढ़ाने के पद्धति को जान सके और उस पद्धति को और कैसे अच्छा बना सके व बड़े शहरों की शिक्षा तकनीकी को छात्र छात्राएं कैसे अपना सकते हैं इसकी जानकारी दी गई। इसके साथ ही छात्र छात्राओं की शिक्षा में प्रभाव को देखते हुए नए तकनीक और आधुनिक पद्धति से पढ़ाने की जानकारी भी दी गई। आज हम लोग इधर यहाँ के सब फैकल्टी मेंबर्स जितने हैं कॉलेजेस के, उनसे हम लोगों ने दो सेशंस हम लोग लिए, एक सर ने लिया एक मैंने लिया। और मेरे सेशन का सार अर्थ यही है कि हमारे में तो अपने पर्सनालिटी में कई गुण अवगुण हैं, तो ये टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए और जब हम आ चुके हैं कितना हम लोग दे पा रहे हैं बच्चों को, तो उसके लिए देने के लिए बच्चों को उनको तैयार करने के लिए भविष्य के लिए हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो किस तरह से हम उसको और बढ़िया बना सकते हैं और अपना हम अपने बारे में ज़्यादा जान सकते हैं और फिर अपने आप को सुधार भी सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगी कि अगर हमने बच्चों की ज़िंदगी को तैयार करने का इतना बड़ा दायित्व लिया है तो हमें तो सोसाइटी के बारे में सोच के, समाज के बारे में सोच के, इनके लिए जो सबसे बेहतर है वही करना चाहिए। और आज की दुनिया में बच्चा अकेला है, शिक्षकों के ज़रिए उनको काफ़ी अच्छा फील होता है कि हाँ इनके शिक्षक जो है इनको समझते हैं। समझने वाला शिक्षक को ही होना पड़ता है, तो इसीलिए हमारा यही डिस्कशन का मेजर पॉइंट था। मेरा नाम शौरबुरी शाह है, फ्रॉम कोलकाता, मैं कलकत्ता से आई हूँ। ये जो फैकल्टी नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम है, हम ऑल ओवर इंडिया में इसको करते हैं, इस टाइप के प्रोग्राम जिसमें हमारे 100 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो सारे जो सिटीज़ हैं, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में हमने भिलाई और रायपुर में करके आया, अभी बिलासपुर में हम इसको कर रहे हैं। इस पर जो सारे कॉलेजेस होते हैं हम इनवाइट करते हैं उस पर कॉलेज के फैकल्टी लोग उनको, और कुछ नया चीज़ देने के लिए कोशिश करते हैं जो आज के स्टूडेंट्स को चाहिए। तो इस टाइप का प्रोग्राम हम ऑल ओवर इंडिया में करते हैं। तो अभी का प्रोग्राम हमारा अभी ख़त्म हुआ, इसके बाद में हम स्टूडेंट को लेकर भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका रहेगा लिंक्डइन विद कैरियर। तो लिंक्डइन में कैसे स्टूडेंट अपना सारा चीज़ अपलोड कर सकते हैं सो दैट वो फ्यूचर में उनको प्लेसमेंट या जो जॉब का रिक्वायरमेंट होता है, तो सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट का सुविधा नहीं होता, तो कैसे उनको खुद का प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे बनाएंगे, तो उसके बारे में भी हमारा नेक्स्ट सेशन है। तो ये सारा चीज़ हम ऑल ओवर इंडिया में सारे सिटीज़ में करते हैं फ्रॉम आईबीएस। मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी, आई एम फ्रॉम आईबीएस हैदराबाद एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ एंटायर 4 स्टेट लाइक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। थैंक यू। आज का कार्यक्रम जो है, दिस इज़ फैकल्टी नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम, सो वी हैव कम फ्रॉम आईबीएस कोलकाता कैंपस। सो व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग वाज, हम लोगों ने एक टॉपिक जिसके बारे में मैंने बोला वो था टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, द न्यू वे ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स। स्पेसिफिकली आज का जो स्टूडेंट्स है 1995 से 2010 का जो स्टूडेंट्स है, इसको हम लोग जेन जी बोलते हैं, जनरेशन जेड। तो इन लोगों का काफ़ी समय सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर ही ये लोग काम करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन का हो गया, फिर आपका सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो आज का कार्यक्रम यही था कि हाउ कैन टीचर्स एंड द न्यू एज प्रोफेसर्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स बाय रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी अ लिटिल बेटर। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, हाउ कैन वी यूज़ व्हाट्सएप टू आर फेवर, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल क्या होता है, यही सब के बारे में टीचर लोगों को जानने को मिला। एंड आई एम श्योर दैट यू नो दे बेनिफिटेड, एंड इवन व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद देम आई आल्सो बेनिफिटेड इन द प्रोसेस। मेरा नाम है शुभानंद, आईबीएस कोलकाता। ये थी बिलासपुर से संवाददाता अमित पाटले की रिपोर्ट। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।